क्या आप अपनी वेबसाइट को अपने फेसबुक पेज के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं? क्या आप ये चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट पे जो कुछ हो रहा है वो आप अपने पेज पे भी देख सकें, आप ये देख सकें कि आपकी वेबसाइट को किस किस ने विजिट किया है, आपकी वेबसाइट पे किस किस ने इंटरेक्ट किया है, ये सारा रिकॉर्ड आप अपने फेसबुक पेज के ऊपर किस तरह से ला सकते हो, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू स्किल स्टेशन। वो लोग जो फेसबुक एड्स को सीख रहे हैं और इसमें प्रो लेवल के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो आज की वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम, अगर आप किसी ई कॉमर्स एजेंसी को अपनी सर्विसेज दे रहे हो एज अ फेसबुक एड एक्सपर्ट, या आपका अपना कोई ई कॉमर्स स्टोर है या वेबसाइट है, आप किस तरह से उसके लिए अपना जो वेबसाइट है उसको आप कनेक्ट करोगे अपने फेसबुक पेज के साथ, अपने फेसबुक पेज पे कनेक्ट करने के बाद आप किस तरह से आपकी वेबसाइट पे जो भी इवेंट हो रहा है आप उसको ट्रैक कर सकते हो और उसकी बेस पे आप अपनी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो और अपनी फेसबुक ऐड को बेस्ट से बेस्ट बना सकते हो। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारा काम बेसिकली हम कर रहे होते हैं अपने पिक्सल की बेस पे। अब पिक्सल क्या होता है, इसको किस तरह से अपनी वेबसाइट से हमें कनेक्ट करना है और इसके बाद हम किस तरह से ट्रैकिंग करेंगे, गाइस ये जानेंगे हम अपनी आज की वीडियो के अंदर। तो वीडियो को कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा, एक एक सेकंड आज का वीडियो का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो के बाद ये वो वीडियो है जो आपको डिफरेंशिएट करेगी बाकी आपके कंपटीटर से, वो लोग जो फेसबुक ऐड की सर्विसेज दे रहे हैं, आज की वीडियो के बाद आप उनसे इंशाल्लाह लीड करेंगे, वो बहुत कुछ आपको मालूम होगा जो उनको नहीं मालूम होगा, क्योंकि आज का लेक्चर थोड़ा सा टेक्निकल है मगर इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट में कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि पिक्सल क्या है और किस तरह से कनेक्ट किया जाता है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बेसिकली पिक्सल क्या होता है। बेसिकली पिक्सल जो होता है एक जावा कोड होता है। बहुत सारे लोग जो बिगनर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम फेसबुक ऐड कोर्स कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं कि भाई इसमें कोडिंग वोडिंग, भाई मैं आपको डिटेल में एक चीज़ बताऊँगा, हर चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। पिक्सल बेसिकली क्या होता है, पिक्सल एक जावा का कोड होता है। जावा मतलब एक कोडिंग की लैंग्वेज है, जो लोग आईटी से बिलोंग करते हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं उनको बेहतर पता होगा, जो प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं। तो जावा एक कोड है, पिक्सल जावा का कोड है, जो बेसिकली हमें हेल्प कर रहा होता है मेजर करने में, मेजर मतलब नापने में भी कितने लोगों ने हमारी वेबसाइट को विजिट किया है, ऑप्टिमाइज करने में यानी कि अपने विजिटर्स को बढ़ाने में, एंड बिल्डिंग ऑडियंस फॉर कैंपेन्स, और इसकी मदद से हम अपनी कैंपेन्स के लिए अपनी ऑडियंस बना सकते हैं, लुक लाइक ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस, ये सारा कुछ हम कर सकते हैं किससे, पिक्सल से। तो पिक्सल का क्या काम है, बेसिकली पिक्सल हमारी वेबसाइट को हमारे पेज के साथ कनेक्ट कर रहा होता है ताकि हमारी वेबसाइट के ऊपर जो भी इवेंट हो, जो भी काम होना, वो हमारे फेसबुक पेज पे ट्रैक होता जाए और वो ऑडियंस जो भी आए, फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी वेबसाइट को विजिट किया है, अब मेरा रिकॉर्ड उस फेसबुक पेज पे चला जाएगा। अब मैंने क्योंकि उस वेबसाइट को विजिट किया, इसका मतलब मेरा उस वेबसाइट में इंटरेस्ट है। मान लिया मैंने एक ऐसी वेबसाइट को विजिट किया है जो शूज सेल कर रही है, अब वो जिसकी वेबसाइट होगी उसके पास ये सारा रिकॉर्ड चला जाएगा उसके फेसबुक पेज के ऊपर। अब वो जब अपनी एड चलाएगा गाइस, तो वो अब मुझे टारगेट करेगा, क्योंकि अब मेरा रिकॉर्ड उसके पास चला गया है, मैंने क्योंकि उसकी वेबसाइट को विजिट किया था, उसके साथ पिक्सल कनेक्ट था और वो सारा डाटा ट्रैक होकर उसके पेज के ऊपर आ गया है। अब नेक्स्ट टाइम जब भी वो एड चलाएगा अपनी फेसबुक के ऊपर, वो मेरी जैसी ऑडियंस को टारगेट करेगा ताकि उसके बेहतर से बेहतर रिजल्ट आ सके, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट था तो मैंने उसकी वेबसाइट को विजिट किया है। तो गाइस पिक्सल का कॉन्सेप्ट ये है, ये हेल्प करता है आपको आपकी ऑडियंस को बिल्ड करने में, जिसको टारगेट करके आप अपनी फेसबुक ऐड को रन कर रहे होते हो। अब पिक्सल की गाइस टाइप्स हैं, पिक्सल की दो टाइप्स हैं, एक होता है स्टैंडर्ड पिक्सल, एक होता है इवेंट बेस्ड पिक्सल। हाँ बेसिकली जो ज़्यादा डिस्कशन करेंगे वो इवेंट बेस्ड पिक्सल पे करेंगे। जो स्टैंडर्ड पिक्सल होता है ना, ये हमें ये तो बताता है, अगर हमने स्टैंडर्ड पिक्सल कनेक्ट किया अपनी वेबसाइट पे, हमें ये तो बता देगा ये कि भाई हमारी वेबसाइट पे कितने लोग आए, लेकिन हमें ये नहीं बताता कि हमारी वेबसाइट के किस पेज पे गए, समझ रहे हो बात को। मान लिया कि मेरी वेबसाइट पे एक पेज है अबाउट के, एक पेज है कंटेक्ट वाला, और एक मेरी वेबसाइट के ऊपर पेज है जिसपे मेरी प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट, फिर प्रोडक्ट बी, फिर सी, फिर डी। अब मुझे ये नहीं बता रहा कि भाई जो विजिटर है उसने मेरे कौन से पेज को विजिट किया है, तो ये इसकी लिमिटेशन है। यानी कि हमें यह बताएगा कि कितने लोग आए हैं
और कौन कौन आया है मगर किस पेज पे आया है ये हमें नहीं बताएगा। ये कौन बताएगा, ये हमें बताता है इवेंट बेस्ड पिक्सल। तो दोनों पिक्सल का आपको कंसेप्ट उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, स्टैंडर्ड पिक्सल एंड इवेंट बेस्ड पिक्सल। तो अब स्टैंडर्ड पिक्सल क्या है, इवेंट बेस्ड पिक्सल क्या है, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब कैसे पिक्सल को हमने फाइंड करना है, पिक्सल मस्जिद होता किधर है, अब ये भी सुन लें। पिक्सल बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, जब आप अपने एड्स मैनेजर के ऊपर आओगे ऐसे जैसे मैं आया हूँ, तो आप यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा बिजनेस सेटिंग एड्स मैनेजर और नीचे आपको आ रहा है इवेंट्स मैनेजर। इस इवेंट्स मैनेजर वाले ऑप्शन पे जाके गाइज आपको मिलता है आपका पिक्सल। यहाँ पे आके आप अपना पिक्सल जो कोड है वो कॉपी कर सकते हो और इसको कॉपी करके अपनी वेबसाइट से कनेक्ट करोगे। अब यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि सर हमें तो वेबसाइट ही नहीं बनानी थी, हमारी वेबसाइट ही नहीं है, तो अब हम क्या करें। तो भाई इसके दो से तीन जो चीज़ें हैं मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। पहली चीज़ ये कि भाई वेबसाइट आपकी अपनी नहीं होगी, जब आप फेसबुक एड सर्विस जिस भी कंपनी या एजेंसी को दे रहे होंगे या जिस भी क्लाइंट को दे रहे होंगे वेबसाइट उसकी होगी, आपने उसकी वेबसाइट से पिक्सल कनेक्ट करना है। अब सवाल बनता है कैसे कनेक्ट करना है, गाइस डोंट वरी अगली वीडियो जो है मैं उसमें पे बताऊंगा प्रैक्टिकली कि आपने किस तरह से अपनी वेबसाइट के साथ पिक्सल को कनेक्ट करना है। तो घबराने की जरूरत नहीं है और साथ ये भी बता दूंगा कि अपनी वेबसाइट एक डमी सी कैसे बना सकते हो, तो घबराने अगर नहीं। मेरा वर्डप्रेस भी एक इंशाल्लाह बहुत जल्द कोर्स आने वाला है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप वर्डप्रेस पे किस तरह से वेबसाइट बना सकते हो। अच्छा कौन कौन सी वेबसाइट पे आप पिक्सल कनेक्ट कर सकते हो, आप वर्डप्रेस की वेबसाइट पे कर सकते हो, कस्टम वेबसाइट, ऐसी देखो वर्डप्रेस वो वेबसाइट होती है जो बिना कोडिंग के बनती है, ठीक है, इसमें सब कुछ हमें बना बनाया ऑलरेडी मिलता है। कस्टम वेबसाइट वो होती है जिसको हम प्रोग्रामिंग यानी लैंग्वेज जावा एचटीएमएल से बना रहे होते हैं, इसमें कोडिंग चाहिए होती है, इसमें वो कर सकता है काम जिसकी भी कोडिंग में एक्सपर्टीज हो। वर्डप्रेस पे भाई आम से आम बंदा आपका मेरे जैसा भी काम कर सकता है। फिर आती है वूकॉमर्स, ये होती है कोई भी ई कॉमर्स स्टोर है उसकी कोई वेबसाइट है, वर्डप्रेस पे भी ई कॉमर्स या वूकॉमर्स वेबसाइट बन जाती है। तो इन तीनों के साथ हम अपना पिक्सल कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा मेथड कौन कौन सा है पिक्सल कनेक्ट करने का, गाइस तो इसके बेसिकली तीन मेथड हैं। पहला है GTM, गूगल टैग मैनेजर, सबसे बेस्ट मेथड है। अब गूगल टैग मैनेजर क्या है, बेसिकली गूगल टैग मैनेजर पे हमें अपना अकाउंट बनाना पड़ता है। सुन लें क्या स्टेप्स होंगे, सबसे पहले हम गूगल टैग मैनेजर पे अपना अकाउंट बनाते हैं और उसके ऊपर अपना जो पिक्सल है वो कनेक्ट करते हैं, फिर उसको कनेक्ट करते हैं वेबसाइट से। कंसेप्ट समझ आ गया, गूगल पहले हम बनाएंगे गूगल टैग मैनेजर, कल की वीडियो में प्रैक्टिकली बनाएंगे गूगल टैग मैनेजर को, अपना अकाउंट उस पर बनाएंगे। उसके बाद ये भी ऐसे ही बनता है जैसे हम अपना गूगल ऐड का अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद हम इसे कनेक्ट करेंगे अपने पिक्सल के साथ और उसको कनेक्ट करेंगे अपनी वेबसाइट के साथ। अच्छा दूसरा मेथड है प्लग इन इन वर्डप्रेस, वर्डप्रेस से अगर हमने पिक्सल कनेक्ट करना है तो हम डायरेक्ट पिक्सल उठाएंगे बगैर GTM के गए, हम डायरेक्ट चले जाएंगे वर्डप्रेस पे, वहां पे जाके कनेक्ट कर देंगे। तीसरा ऑप्शन है फेसबुक प्लगइन के साथ हम कनेक्ट कर दें, लेकिन जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है जो प्रोफेशनली यूज किया जाता है गाइस वो किया जाता है GTM गूगल टैग मैनेजर, क्योंकि हमें बहुत सारी सेटिंग्स ना एक ही जगह दे देता है। तो हमने जो मेथड यूज करना है पिक्सल कनेक्ट करने के लिए वो करना है GTM गूगल टैग मैनेजर। अब इसका फायदा क्या होगा गाइज, ये हमें बेसिकली मैंने आपको स्टार्ट में कहा था, या देखें यहाँ पे मैं स्टार्ट में लिखा है कि ये आपको हेल्प करता है बिल्डिंग ऑडियंस। कैसे, मान लिया कि भाई पिक्सल आपने कनेक्ट कर दिया अपनी वेबसाइट के साथ, आपकी वेबसाइट पे 1700 लोगों ने विजिट किया, अब पिक्सल क्या करेगा वो सारा रिकॉर्ड आपके फेसबुक पेज पे ला देगा, भाई इन 1700 लोगों ने आपके जो वेबसाइट है इसको विजिट किया है। अब आप करेंगे क्या गाइस, आपकी वेबसाइट का जो वो ट्रैक हो जाएगी ना ऑडियंस, मान लिया कि 1700 लोग ऐसे थे जिनका इंटरेस्ट था एजुकेशन के अंदर या कपड़ों के अंदर, शूज के अंदर, किसी भी आइटम के अंदर, अब आप करोगे क्या गाइस, अब आप जब ऐड चलाओगे ये जो 1700 लोग हैं आप इसी इन्हीं को और इनसे मिलते जुलते लोगों को टारगेट करोगे और उस ऑडियंस को हम कहते हैं लुक अलाइक ऑडियंस, यानी कि ऐसी ऑडियंस, सॉरी यहां पे मैंने गलत लिखा हुआ है, यहां पे आएगा लुक अलाइक ऑडियंस, यानी कि ऐसी ऑडियंस जिसने मेरी वेबसाइट को विजिट किया था, अब उससे मिलती जुलती जो ऑडियंस होगी उसको मैं कहूंगा लुक अलाइक ऑडियंस, और यही वो ऑडियंस है जो भाई मेरी कस्टम ऑडियंस यानी कि मेरे क्लाइंट्स में कन्वर्ट होगी। तो बेसिकली कुल मिला के पिक्सल का क्या फंक्शन हुआ, पिक्सल का फंक्शन ये हुआ कि ये हमें ट्रैक करके देता है हमारी ऑडियंस को कि भाई इसने हमारी वेबसाइट को विजिट किया है, इसने हमारी वेबसाइट के इस पेज को विजिट किया है, इसने इस पेज को विजिट किया है। अब सवाल बनता है कि भाई पिक्सल को कहां से ढूंढेंगे, भाई एड्स मैनेजर पे होगा ये, कहां से कैसे लेना है मैं आपको कल बता दूंगा। उसके बाद हम किस तरह से अपना GTM यानी कि ये गूगल टैग मैनेजर है किस तरह से बनाएंगे कल की वीडियो में बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा आप किस तरह से अपनी वेबसाइट के साथ पिक्सल कनेक्ट करोगे। गाइस देखिए फेसबुक ऐड हर बंदा चला सकता है, देखिए ये टेक्निकल चीज़ें जो आपको उनसे डिफरेंशिएट करेंगी। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर देखिए आप वीडियो देखते हो या लाइक नहीं करते प्लीज़ लाइक लाजमी कर दिया करें वीडियो को, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।